थैंक यू अभिषेक भाई। जो भी हमारे साथ आज है, सभी को पता होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन बहुत बार दिया है, तो बस ये कंपनी के शॉर्ट में खत्म करना चाहता हूँ कि कंपनी मैंने 2010 में स्टार्ट की थी, आज 11 साल हो चुके हैं, तो ये प्राउडली है कि 11 साल टिकना इस मार्केट में बहुत बड़ी बात है, वो आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड। वॉरेन बफेट ने, जो हमारे बहुत बड़े लेजेंड इन्वेस्टर है, उन्होंने कहा था कि आई स्टार्टेड इन्वेस्टेड एट द एज ऑफ 11 बट आई रिग्रेट गेटिंग लेट। उनको 11 साल की उम्र में उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, फिर भी उनको ऐसा लगता था कि वो लेट हो चुके हैं, वो क्यों, वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट। व्हाई यू मस्ट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके चार रीजन है। मेरे हिसाब से वो चार बेसिक रीजन है जो हम आगे देखेंगे। तो पहला रीजन हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड सर। स्टॉक इन्वेस्टिंग हेल्प टू कीप पेस विथ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को फाइट करने में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ही बेहतरीन आपको सपोर्ट करेगा। आप राइट साइड पर देख सकते हैं कि कभी फिल्म की टिकट 90s में 10 रुपए की मिलती थी, आज 100 से 200 या पॉपकॉर्न के साथ शायद 1000 रुपए भी हो चुकी होगी। तो आप अपना अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें बहुत ही बड़ा पार्ट उसमें इन्फ्लेशन का आता है। इन्फ्लेशन में आप देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का रेट आज 5.5 से 6% इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज चल रहा है। अगर आप सेविंग बैंक में अपना अकाउंट अगर रखते हो, पैसा रखते हो, तो आपको 3 से 4% रिटर्न मिलेगा, जिसमें आप अपना इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। फिक्स डिपॉजिट में जो आपको 6.5 से 7.5% रिटर्न देगा, उसमें भी आप अपने इन्फ्लेशन के साथ ज्यादा रिटर्न अर्न नहीं कर पाओगे। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड सर, कि अगर आप आज समझ लियो होंडा सिटी का प्राइस आपने अगर सेव कर ली है, और आप अगर उसको बैंक में ऐसे ही घर पे रखते हो, और 10 साल के बाद अगर वो कुछ खरीदने निकलते हो, तो आप वो होंडा सिटी का प्राइस में सिर्फ आप अपने एक बाइक, जो नॉर्मल बाइक है, वो खरीद पाओगे, इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ेगा। सेकंड केस है जिसमें फिक्स डिपॉजिट जो 6.5 से 7.5% में अब रखते हो, तो शायद 10 साल के बाद आप होंडा सिटी के प्राइस में जो होंडा अकॉर्ड, हाईटेन होंडा अकॉर्ड है, वो खरीद पाओगे। नंबर थ्री केस में अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करते हो, तो आप अगर आज स्टार्ट करते हो, 10 साल के बाद आप BMW या ऑडी खरीद पाओगे, और ये प्रूवन थिंग्स है 10 साल के अंदर। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल स्टॉक हैव गॉन अप। सभी को पता होगा, सबने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो वहां से जीरो हो गया है, वो वहीं से शायद करेक्शन आता है। 2008 में करेक्शन आया था, उसके बाद आज आपने 2020 में भी करेक्शन देखा, उसके बाद 2021 में वो लाइफ हाई पे आज बैठा है। तो उसमें करेक्शन आते रहते हैं, वो पर कभी नीचे नहीं जाते, तो फ्यूचर में वो आपको अच्छा ही रिटर्न देते हैं। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, आपको स्टॉक मार्केट अपने जो पोर्टफोलियो उसमें डाइवर्सिफिकेशन देता है। आप अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है, मनी मार्केट है, फिक्स डिपॉजिट है, और उसके साथ स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जब भी आप बॉन्ड या मनी मार्केट होता है वो अगर नीचे होता है, तभी स्टॉक मार्केट ऊपर होता है, और स्टॉक मार्केट जब भी ऊपर होता है तो शायद वो नीचे होंगे, तो उस तरीके से वाइस वर्सा रिटर्न है, तो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग करने में वो बहुत बढ़िया हेल्प करेगा। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी है। किस तरीके से? आप स्टॉक मार्केट में एक सिंपल आपका डीमैट अकाउंट ओपन करके, हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट लग के एक बार हो गया तो फिर ऑनलाइन भी आप कर सकोगे। वो बहुत लिक्विड है, आप उसमें जब भी आपको पैसे की जरूरत हो या आपको लगता है कि आपको वो स्टॉक बेच के निकल जाना है, तो वो आसानी से आप बेच के निकल सकते हो, जबकि प्रॉपर्टी या दूसरी अदर थिंग्स में आपको उसमें वेट करना पड़ेगा, या शायद उसमें वो प्राइस भी नहीं मिलेगी या बायर नहीं मिलेंगे, तो इसमें ऐसा नहीं होता। स्टॉक में बहुत इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट सर, अभी बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही मेन मुद्दा है कि भाई हमको कितना परसेंटेज स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने देखा है सभी लोगों को, या सबको पता होगा, सभी लोग स्टॉक मार्केट से इतना डरते हैं कि वो अपना कैपिटल ज्यादा डालना पसंद नहीं करते या ज्यादा डालते नहीं है। तो एक थंब रूल है,
जो सबको पता है कि भाई अगर आपकी 100, आप 100 में से आपकी जो भी एज है वो माइनस कर दीजिए, अगर आप 35 के हो, अगर आप 100 में से माइनस करते हो तो 65% आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जो एसेट एलोकेशन का पार्ट है उसमें आता है। पर मैं ये मानता हूं कि आपको स्टॉक मार्केट में इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आपके जो फ्यूचर में आप जो ग्रोथ चाहते हो वो शायद स्टॉक मार्केट में ही आपको मिलेगा। जैसे आप प्रॉपर्टी बाय करते हो या सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो या एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट को भी आप प्रायोरिटी देके उसमें मिनिमम 20% आपका इन्वेस्टमेंट जो भी टोटल होता है उसमें होना चाहिए, तभी आपको वो फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न दे पाएगा या फ्यूचर में आपका पोर्टफोलियो बैलेंस कर पाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सभी स्टॉक में डालिए, पर आपको आपके एज के वाइज, आपको परसेंटेज वाइज, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मिनिमम 20% तो करना ही चाहिए। नेक्स्ट, मैं ये जिम सिमंस वर्ल्ड बेस्ट फंड मैनेजर की स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 30 सालों में उन्होंने 69% सीएजीआर रिटर्न दिए हैं। उन्होंने जब शुरुआत की थी वो 47 की एज के थे, मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे। उसके बाद लोग बोलते हैं कि एज खत्म होने के बाद शुरुआत नहीं कर सकते, तो उन्होंने 1984 में शुरुआत की और 1990 तक उन्होंने कुछ नहीं कमाया, और 1990 से लेकर अब तक उनका CAGR यानी एक साल का रिटर्न ऑन एन एवरेज गिने तो 69% है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रिटर्न है। और 7 लाख से भी ज्यादा फंड मैनेज वो करते हैं, और इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसने बहुत अच्छे रिटर्न कमाए हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। मैं अगला जो सेशन है वो उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर सेशन लेना चाहूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरे प्रेजेंटेशन रिगार्डिंग या स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग, तो हम जो टाइम बचा हुआ है उसमें हम ले सकेंगे। एनीवन? हेलो, यस सिद्धेश, यस। સ્ટોક માર્કેટમાં જનરલી બધા કહે છે કે બધું બહુ ઉતાર ચડાવ આવતો હોય છે અને બહુ પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે, તો કઈક એવું કઈ સ્કીમ હોય કે જે કે મંથલી ઇન્કમ સ્કીમ હોય છે બધી, જે